कि एटम्स के कुछ फंडामेंटल्स पार्टिकल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहते हैं, बट इसके अदर भी कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं नॉन फंडामेंटल्स पार्टिकल्स को हम देखेंगे, और इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो किसी अन्य पार्टिकल के एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। ये ज़्यादा जो हायर केमिस्ट्री होती है या पार्टिकल फिज़िक्स जिसे कहा जाता है, फिज़िक्स की जो ब्रांच है पार्टिकल फिज़िक्स, उसमें इसको डिटेल से पढ़ा जाता है, बट हम अपने मतलब जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं कि जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें से भी, जैसे एक पॉजिट्रॉन का नाम सुना होगा आपने, तो पॉजिट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल का मतलब ये होगा कि जो पॉजिट्रॉन है उसका मास तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होगा, लेकिन इस पे चार्ज अपोजिट होगा, ठीक है। तो चार्ज जब अपोजिट हो जाता है तो ये एंटी पार्टिकल बन जाता है। तो पॉजिट्रॉन एक्चुअली में, जिसका सिंबल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई के ऊपर प्लस रहता है, और इलेक्ट्रॉन का जस्ट इसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे होता है और इसका जो है पॉजिटिव में ही देखने को मिलता है। तो पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मास तो भाई इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन इसमें चार्ज अपोजिट होता है। उसके बाद में हम लोग एंटी प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। अब भाई एंटी प्रोटॉन क्या होगा, तो ये तो नाम से ही जाहिर है कि एंटी प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अब इसका मास तो प्रोटॉन के बराबर ही होगा, बट इसका चार्ज जो है वो निगेटिव होगा, और इसका सिंबल स्मॉल p की तरह से आप देख सकते हैं, ये एंटी प्रोटॉन है। तो एंटी प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में, जिसका सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों इसके सिंबल हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक्चुअली ये एक दूसरे के मतलब एंटी पार्टिकल्स हैं। तो इनका जो रेस्ट मास और चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन चूंकि ये पार्टिकल हैं और इनको पार्टिकल फिज़िक्स में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी और मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है इनके ऊपर चार्ज तो ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के ये एंटी पार्टिकल्स हैं, बट इनमें एनर्जी और मोमेंटम होता है, ठीक है। तो रेस्ट मास अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम लोग फैक्चुअली देख रहे हैं, राइट। उसके बाद में पाई मेसॉन्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये मेसॉन्स जो है ना, ये तीन प्रकार के में पाया जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो चार्ज भी पाया जाता है। तो ये कॉस्मिक रेस की स्टडी हुई थी, उसमें इसको डिस्कवर किया गया था। ये तीन टाइप के होते हैं, मतलब पाई मेसॉन करके ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके लिखा रहता है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो चार्ज, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसमें तीनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वार्क्स, नाम आपने सुना होगा ना कि क्वार्क्स क्या होता है, बोसॉन क्या होता है, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, यही सब आगे पार्टिकल फिजिक्स में अभी लार्ज हाइड्रल हाइड्रो ना कोलाइजन जो अभी वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में नहीं, सर्द में जो एक बड़ा शोध चल रहा है, भारत भी उसमें चल काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वो पार्टिकल फिज़िक्स का आपके मान के चलिए कि सबसे एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पन्न कैसे हुआ, ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो क्वार्क्स क्या होता है और बोसॉन क्या होता है, मैं काफ़ी आसान शब्दों में ये बता दूँ कि जैसे हमने पढ़ा कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये जो क्वार्क्स हैं ना, एक्चुअली में जब क्वार्क्स मिल करके प्रोटॉन को बनाते हैं, जब तीन चार क्वार्क्स मिल करके एक प्रोटॉन बना देंगे, तो आप समझो ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो आप बस इतना ही समझिए कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब बोसोन जो है ना, अब आपने फोटोन पढ़ा होगा खूब, 9th, 10th या 11th, 12th में फोटोन एनर्जी जब दी जाती है वो पढ़ाया जाता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जो बोसोन होता है, अब इसकी स्पिन के बारे में भी है, ये भी एक एस्पेक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो क्वार्क्स होता है ना, इसकी जो स्पिन होती है, अब स्पिन अगेन ये थोड़ा डिटेल में जाना हो जाएगा, लेकिन